हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज के टाइम पे इंग्लिश महज एक हॉबी नहीं बल्कि हमारी नीड बन चुकी है। इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश अच्छे से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी भी अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने डर को भगाइए, आप भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें मैं 30 वीडियोस दूंगा और आपको हर वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि आप इस वीडियो का प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अगर आप 30 वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे वन, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। आप सब जानते हैं इंग्लिश में बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन सारी सेंटेंस को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्शन, सेकेंड स्टेट और तीसरा पजेशन। यानी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में आप बोलते हैं वो इसी तीन कैटेगरी में किसी न किसी एक में जरूर होगा। अगर आप इस तीनों कैटेगरीज के डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं तो आप कभी भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें इस तीनों के बीच के अंतर को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से। जो पहला है वह है एक्शन। एक्शन में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को रखते हैं जिसमें करना वर्ड इन्वॉल्व हो, जैसे वह खेल रहा है, राहुल सो गया, वह चली गई, तीनों ही सेंटेंस में करना वर्ड इन्वॉल्व है। जैसे इसमें अगर हम वर्ब को देखें तो इसमें वर्ब यूज होता है खेलना, प्ले, प्ले का हिंदी होगा खेलना। दूसरा है सोना, इसमें सो गया वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ब है सोना, स्लिप। तीसरा है चली गई, जाना, जाना के लिए वर्ब होता है गो, मीन्स जाना। यानी जितने भी एक्शन वाले सेंटेंस होंगे उसमें मेन वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा। हालांकि मेन वर्ब की संख्या लाखों में है, लेकिन इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जितने भी मेन वर्ब इंग्लिश में है सबके अंत में ना होना जरूरी है, बिना ना का मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, खेलना, प्ले का हिंदी हो गया खेलना, लास्ट में ना है। सोना, स्लिप मतलब सोना, लास्ट में ना है। जाना, लास्ट में ना है गो। इस तीनों एग्जाम्पल में हमने मेन वर्ब यूज किया और सबके अंत में ना है, तो इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब है सबके अंत में ना होना जरूरी है। और जब आप मेन वर्ब यूज करेंगे तो आपको एक्शन वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट, नंबर टू। स्टेट के अंतर्गत हम लोग ऐसे सेंटेंस को रखते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यह इंफॉर्मेशन देना अगर हो तो हम लोग स्टेट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह अमीर है, इसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, वह क्या है, अमीर है, तो इसको हम लोग स्टेट स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल राहुल मेरा बेटा है, इसमें राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। पानी गर्म है, इसमें हमने पानी यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो स्टेट का हम लोग यूज करते हैं जब सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना हो तो स्टेट स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसमें एक वर्ब यूज होता है सिर्फ, वर्ब टू बी।
वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है? अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो है वाले सेंटेंस के रूप में, जैसे वह अमीर है, वह गरीब है, वह चोर है, वह टीचर है, वह साधु है, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कहलाते हैं। तो प्रेजेंट में अगर आपको बोलना हो तो वर्ब टू बी के बदले आपको इज एम आर यूज करना पड़ेगा, यह इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे वर्ब टू बी के फॉर्म को, जो होता है इज एम आर। अगर आपको पास्ट में बोलना हो, जैसे वह बीमार था, वह कल एब्सेंट था, तो हम लोग वर्ब टू बी के पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे। वह होता है वाज और वर, दो ही होता है। यानी अगर आपको स्टेट में कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो सिर्फ आप वर्ब टू बी यूज कर सकते हैं, जो पांच है, इज एम आर वाज वर, ओनली फाइव। नेक्स्ट नंबर थ्री, वह होता है पजेशन। पोजेशन में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को रखते हैं जिसमें हमें अधिकार या संबंध बताना हो। अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप सामान के ऑनर हो सकते हैं, यानी उसके आप मालिक हैं। तो मालिकियाना हक बताना हो तब भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई आदमी है, पर्सन के बारे में बताना हो, तो पर्सन के आप ऑनर नहीं हो सकते, रिलेटिव हो सकते हैं, पर्सन से आप रिलेटेड होते हैं। तो संबंध बताने के लिए भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास कोई आदमी हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकता है, इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए पजेशन का यूज़ हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, राधा के पास बहुत पैसा है, इसमें राधा के पास क्या है वह बताया जा रहा है, इसीलिए हम लोग पजेशन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। राधा के पास बहुत पैसा है, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है वह बताया जा रहा है, इसमें थिंग्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल को दो बेटा है, यहां पर्सन बताया जा रहा है, यानी राहुल जो सब्जेक्ट है इसके पास क्या है, दो बेटा है, यानी पर्सन, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है, दूसरे सेंटेंस में भी वही बताया गया है। तो पजेशन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पास क्या है उसको बताने के लिए। तो ये तीन कैटेगरीज हुआ, एक्शन, स्टेट और पजेशन, जहां एक्शन में कुछ करना होता है, वहां स्टेट में सब्जेक्ट क्या है उसे बताना होता है, और पजेशन में सब्जेक्ट के पास क्या है उसे बताना होता है। जैसे हम लोग तीन एग्जाम्पल लेते हैं, कबीर दुकान चलाता है, वह एक बिजनेसमैन है और उसके पास बहुत पैसा है, ये तीन सेंटेंस है। अगर हम लोग को बोलना हो कबीर दुकान चलाता है, इसमें चलाना मेन वर्ब रन यूज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्शन स्ट्रक्चर में रखेंगे। कबीर दुकान चलाता है, इसमें वर्ब यूज हो रहा है रन, रन मतलब चलाना, यहाँ पर रन का मतलब होगा चलाना, हालांकि रन का मतलब दौड़ना भी होता है, यहाँ पर दुकान चलाने के लिए रन यूज करेंगे। तो कबीर दुकान चलाता है, इसमें हमने रन यूज किया, मेन वर्ब यूज किया, जिसका हिंदी ना है चलाना, इसीलिए इसको हम लोग एक्शन स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, कबीर के पास बहुत पैसा है, कबीर के पास बहुत पैसा है, सब्जेक्ट के पास क्या है उसे बताना है, इसीलिए
तरह के सेंटेंस को हम लोग पजेशन स्ट्रक्चर में रखेंगे। कबीर के पास क्या है? बहुत पैसा है। तीसरा कैटेगरी होता है स्टेट। क्योंकि कबीर के पास बहुत पैसा है इसलिए कबीर अमीर है। तो अगर हमें बोलना हो कबीर अमीर है तो कबीर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यह बताना है, इसीलिए इसको हम स्टेट स्ट्रक्चर में रखेंगे। कबीर अमीर है, इसमें हम लोग कबीर यानी सब्जेक्ट क्या है या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा स्टेट का। तो इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस होंगे इसी तीन कैटेगरी में किसी न किसी से इस तरह से हम लोग एक चीज समझे कि इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस होंगे हर सेंटेंस को इसी तीन में से किसी किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करना होगा। हर सेंटेंस इसी तीन में से किसी नहीं किसी एक कैटेगरी से ही होगा। एक्शन हो सकता है, पजेशन हो सकता है या स्टेट हो सकता है। अब हम लोग इस वीडियो में स्टेट से स्टार्ट करेंगे कि स्टेट को हम लोग कैसे इंग्लिश में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला स्टेट में हम लोग वर्ब टू बी यूज करेंगे जिसका फॉर्म होता है प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज और वर। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आप इज हर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते, एम हर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे इज प्रेजेंट में और पास्ट में हम लोग लगाएंगे वॉज। एग्जाम्पल के तौर पे ही सिंगुलर है, ही मतलब वह, एक आदमी तो ही के साथ होगा ही इज या ही वॉज, दोनों प्रेजेंट में ही इज और पास्ट में ही वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी इज शी वॉज, शी वह एक लड़की, इसीलिए इज लगेगा प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज लगेगा, शी इज शी वॉज। राहुल एक लड़का का नाम है तो राहुल इज प्रेजेंट में, राहुल वॉज पास्ट में। गीता एक लड़की का नाम है इसलिए होगा गीता इज गीता वॉज पास्ट में। तो कोई भी अगर सिंगुलर हो तो हम लोग इज लगाएंगे प्रेजेंट में और वॉज लगाएंगे पास्ट में। जैसे अगर मदर बोलना हो तो माँ एक तो इज लगेगा प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज लगेगा। फादर तो फादर इज होगा प्रेजेंट में, फादर वॉज होगा पास्ट में। इज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में और वॉज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट में। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे आर और वर। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में यूज करेंगे आर और पास्ट में यूज करेंगे वर। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट यानी एक से ज्यादा वन प्लस, तो हम लोग आर लगाएंगे प्रेजेंट में और वर लगाएंगे पास्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे दे आर प्रेजेंट में, दे वर पास्ट में। दे का मतलब होता है वे लोग, जो प्लूरल है एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए होगा दे आर प्रेजेंट में, दे वर पास्ट में। पेरेंट्स
पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी पापा, दो लोग हो गए, इसीलिए प्रेजेंट में आर लगेगा और पास्ट में वर लगेगा, पेरेंट्स आर, पेरेंट्स वर। यू का मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है, तो यू के साथ आपको हमेशा आर यूज करना होगा प्रेजेंट में और वर यूज करना होगा पास्ट में। नेक्स्ट बच जाता है एम, एम का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ आई के साथ, ये आप एक्सेप्शन समझ लीजिए, आई के साथ एम का यूज होगा, हमेशा आई के साथ एम ही यूज होगा प्रेजेंट में, आई एम प्रेजेंट बताना हो तब आई के साथ एम का यूज होगा, लेकिन पास्ट में आई के साथ भी वॉज का ही यूज होता है। तो एक बार समराइज मैं कर दूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट एक को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर यूज करेंगे, यू के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए यू के साथ भी प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर का यूज करेंगे, आई के साथ हम लोग प्रेजेंट में एम यूज करेंगे और पास्ट में वॉज यूज करेंगे। अब हम लोग यूजेस को देखेंगे, कहां पर इसका हम लोग यूज करेंगे, किस तरह के सेंटेंस हम लोग इस स्टेट के मदद से नया बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग यूजेस देखते हैं। स्टेट की मदद से हम लोग बहुत तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम इससे नाम बता सकते हैं किसी भी आदमी का, खुद का, दूसरे का, किसी का, या किसी से नाम पूछ सकते हैं, एज बता सकते हैं, क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, प्लेस बता सकते हैं, नेशनैलिटी बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं, प्रोफेशन बता सकते हैं किसी का, अपीयरेंस कोई देखने में कैसा है यह बता सकते हैं, नेचर किसी का स्वभाव कैसा है बता सकते हैं, फीलिंग्स क्या महसूस कर रहा है यह बता सकते हैं, सिचुएशन या कंडीशन बताया जा सकता है इसके इस स्ट्रक्चर की मदद से, प्राइस आप बता सकते हैं, वेदर यानी मौसम के बारे में बता सकते हैं, डे बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, मंथ बता सकते हैं, ईयर बता सकते हैं, सीजन बता सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। मोटे तौर पे हम लोग 19 जगह इसका यूज कर सकते हैं, स्टेट बताने के लिए हम लोग ये 19 यूजेज हैं जहां पर हम लोग स्टेट बताते हैं स्ट्रक्चर इज एम आर वॉज वर्ड की मदद से। सेंटेंस बनाने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, जितने भी सेंटेंस हैं आप अफर्मेटिव यानी हाँ वाले सेंटेंस में बनाते हैं, तो इसमें आपको इज एम आर वॉज वर्ड सब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर वॉज वर्ड के बाद आपको नॉट डालना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर वॉज वर्ड को सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें नेम से। अगर किसी से नाम पूछना हो या बताना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, आप बोल सकते हैं माय नेम्स कबीर, मेरा नाम कबीर है, माय नेम्स कबीर, या नेम्स का मतलब नेम इज, माय नेम इज कबीर, इसी को शॉर्ट में नेम इज के बदले नेम्स लिखे हैं, आप नेम्स के बदले नेम इज भी लिख सकते हैं, माय नेम इज कबीर या माय नेम्स कबीर, मेरा नाम कबीर है। दूसरे तरीके से अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं आई एम कबीर, यानी आप माई नेम्स कबीर, माई नेम इज कबीर या आई एम कबीर, तीन तरीके से इसको बोल सकते हैं। अगर आपको अपने पापा का नाम बताना हो तो आप बोल सकते हैं माई
फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, या फादर्स में फादर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का, हिंदी का यानी पापा का, फादर्स मतलब पापा का, माई फादर्स नेम इज, मेरे पापा का नाम है, और यहाँ पर जो भी उनका नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको बोलना है मेरी मम्मी का नाम तो आप बोल सकते हैं माई माई मदर्स नेम इज, मदर्स इसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस है यानी मम्मी का। बहुत सारे स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफी एस छोड़ देते हैं जिससे आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, माई ब्रदर्स नेम इज, माई सिस्टर्स नेम इज, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, इस तरह से हम लोग नाम बताते हैं। अगर आपको पूछना हो आपका नाम क्या है तो आप बोल सकते हैं What is your name? आपका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, What is his name? उसका नाम क्या है, सिंगुलर है इसलिए is हुआ। आपके पापा का नाम क्या है, What is your father's name? आपके पापा का नाम क्या है। तो इस तरह से हम लोग नाम के लिए स्टेट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये था हमारा यूजेज नंबर 1। नेक्स्ट है एज। एज का हिंदी होता है उम्र। आप अपना उम्र कैसे बताएंगे या किसी से किसी का उम्र कैसे पूछते हैं, वह भी आप स्टेट स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। जैसे I am 20 years old, मैं 20 साल का हूँ। आपको सिर्फ 20 इस नंबर को चेंज करना है। अगर आप 10 साल के हैं तो आपको लिखना होगा I am 10 years old। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको लिखना होगा I am 40 years old। 50 साल के हैं I am 50 years old। सिर्फ आपको नंबर चेंज करना होगा, years old फिक्स रहेगा यहाँ पर। अगर एक साल से बड़े हैं ऑफ कोर्स तभी आप बोल पाएंगे। अगर आपको अपने पापा का उम्र बताना है तो आप बोल सकते हैं My father is 50 years old, मेरे पापा 50 साल के हैं। उसी तरह से My mother is 45 years old, My grandfather is 70 years old, My grandmother is 65 years old। यानी आपको जिसका भी उम्र बताना है आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर एज अगर सिंगुलर है तो, और फिर उम्र आपको लिखना है। जैसे कबीर 15 साल का है, कबीर इज 15 ईयर्स ओल्ड, कबीर 15 साल का है। आप कमेंट करके अपना एज मुझे बता सकते हैं। अगर आपको उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, यानी आपको किसी से पूछना है आप कितने साल के हो, तो आपको यूज करना है हाउ ओल्ड आर यू। आप ये नहीं बोल सकते व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज एक गलत एक्सप्रेशन है। सही एक्सप्रेशन है हाउ ओल्ड आर यू। तो आप बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, यहां पर सब्जेक्ट यू है इसीलिए हमने आर का यूज किया। तो करेक्ट हमारा सेंटेंस होगा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। आपके पापा कितने साल के हैं,
तो सेंटेंस होगा हाउ ओल्ड इज योर फादर. योर फादर सिंगुलर है इसलिए इज का यूज होगा. हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पापा कितने साल के हैं. वह कितने साल का है, हाउ ओल्ड इज ही. इस तरह से हम लोग एज के बारे में बात करते हैं अंडर स्टेट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं. आप अपना क्वालिफिकेशन भी बता सकते हैं, जैसे My sister is in standard 3. मेरी सिस्टर स्टैंडर्ड 3 में पढ़ती है, स्टैंडर्ड 3 में है. I am a science graduate. मैं साइंस से ग्रेजुएट हूं. He is literate का मतलब वह अक्षर पहचानता है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है, उसको बोलेंगे he is literate. He is illiterate मतलब वह कुछ नहीं जानता, लिख भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, यानी वह मूर्ख है हिसाब से, उसको हम लोग बोलेंगे he is illiterate. थर्ड है he is educated. Educated means पढ़ा लिखा, लिखने पढ़ने से ज़्यादा वो जानता है, तो उसको बोलेंगे educated. नेक्स्ट है ही इज स्कॉलर, वह विद्वान है. स्कॉलर मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, स्कॉलर बोलेंगे या हाईली एजुकेटेड भी बोल सकते हैं, स्कॉलर या फिर हाईली एजुकेटेड, दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. तो यानी अगर कोई बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है तो बोलेंगे इलिटरेट, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है यानी लिख पढ़ सकता है लिटरेट, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है एजुकेटेड, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है यानी विद्वान है, तो उसको स्कॉलर या हाईली एजुकेटेड बोलते हैं. तो इस तरीके से हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग एज, एम, आर, प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज वर्ड ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस, नंबर 4. आप इसकी मदद से जगह के बारे में बता सकते हैं, जैसे आप किस जगह से आते हैं, किसी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस जगह से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am from Bihar, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यानी मैं बिहार से आता हूँ. सेकेंड, she is from Delhi, वह दिल्ली से आती है यानी दिल्ली की रहने वाली है. तो इस तरह से हम लोग प्लेस बताते हैं. अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप यूज करेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह के रहने वाले हैं, आप कहां से आते हैं. सब्जेक्ट इसमें यू है इसलिए आर लगा. सेकेंड में वेयर इज ही फ्रॉम, वह कहां से आता है यानी वह कहां का रहने वाला है. इसमें सब्जेक्ट ही है इसलिए इज लगा. आप पूछ सकते हैं आपका दोस्त कहां का रहने वाला है, तो आप हो जाएगा सेंटेंस वेयर इज योर फ्रेंड फ्रॉम. तो इस तरह से हम लोग प्लेस के बारे में बात करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, यानी आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किस कंट्री से आप आते हैं, किस कंट्री के आप रहने वाले हैं, उसको भी आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, शी इज अमेरिकन, वह अमेरिकन है। तो इसमें हमने इंडियन और अमेरिकन यूज़ किया, ये नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, इसीलिए इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो आई एम इंडियन, ही इज अमेरिकन, इसमें ए एन के बिना भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस सही होगा। अगर कोई पाकिस्तान से है तो बोलेगा आई एम फ्रॉम, आई एम पाकिस्तानी। अगर कोई नेपाल से है तो बोलेगा आई एम नेपाली। तो इस तरह से हम लोग नेशनैलिटी वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, रिलेशन, यानी आपको रिलेशन के बारे में बताना हो तब भी इस स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं। रिलेशन का हिंदी होता है संबंध, संबंध बताना, जैसे कविता मेरी बहन है। कविता इज माय सिस्टर। नेक्स्ट, राहुल मेरा भाई है। हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो सेंटेंस होगा वी आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन बताते हैं। अगला पॉइंट है प्रोफेशन, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, आप करते क्या हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, वह भी इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, यानी पेशा, धंधा, काम, आप काम क्या करते हैं, उसको भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम ए टीचर, टीचर से पहले मैंने ए लगाया। जो भी आपका प्रोफेशन हो उसके पहले ए या एन लगाना जरूरी होता है। तो आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। My father is a businessman. यहां businessman से पहले A लगा। मेरा भाई engineer है। My brother is an engineer. Engineer चूंकि boy letter से start होता है इसलिए N लगा। मेरा भाई engineer है। He is a doctor. वह एक डॉक्टर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो आप क्या हैं या क्या करते हैं, तो इसको भी हम लोग इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस होगा व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या है, यानी क्या काम करते हैं, आपका भाई क्या काम करता है या क्या है। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर सिस्टर, आपकी बहन क्या काम करती है, यानी क्या है। तो इस तरह से हम लोग प्रोफेशन बताते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। नंबर 8, अपीयरेंस।
अपियरेंस यानी देखने में कोई कैसा है, लुक, इसको भी इस स्ट्रक्चर से बताया जा सकता है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत है। नेक्स्ट आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। ही इज हैंडसम, वह देखने में अच्छा है। इसमें मेल के लिए हम लोग हैंडसम यूज करते हैं, फीमेल के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं। तो किसी का लुक या अपीयरेंस भी इस स्ट्रक्चर से बताया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर, नंबर 9। नेचर का मतलब यहां पर है स्वभाव, किसी बंदे का स्वभाव कैसा है, आप उसको भी इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी बहुत दयालु हैं। My father is very kind, मेरे पापा बहुत दयालु हैं। My father subject है, singular है, इसलिए यहाँ is लगा, very kind मतलब बहुत दयालु, तो मेरे पापा बहुत दयालु हैं। वह बहुत cruel है, निर्दयी है। He is very cruel, वह बहुत निर्दयी है। तुम बहुत फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो। सेंटेंस होगा यू आर वेरी फ्रेंडली, तुम बहुत फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो। वह बहुत फनी है, हंसमुख टाइप फनी है। तो सेंटेंस होगा शी इज वेरी फनी। तो इस तरह से हम लोग नेचर भी इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फीलिंग्स, नंबर 10। फीलिंग्स मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको भी आप इस स्ट्रक्चर के तहत बोल सकते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है। आप बोलेंगे आई एम हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। आई है इसलिए एम का यूज होगा, सब्जेक्ट आई है इसलिए एम यूज करेंगे। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। वह गुस्सा है। ही इज एंग्री, वह गुस्सा है। वह थकी हुई है। She is tired, वह थकी हुई है। यानी आप क्या फील कर रहे हैं, गुस्सा आना, खुश होना। मैं खुश हूँ तो I'm happy, मैं नाराज हूँ I'm sad, कोई किसी को प्यास लगी है तो बोलेगा I am thirsty। तो आप फीलिंग्स को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिचुएशन या कंडीशन। यानी आप किस परिस्थिति में हैं, परिस्थिति को भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे वह बीमार है। तो आप बोलेंगे ही इज इल या सिक, ही इज सिक, ही इज इल, वह बीमार है। वह अमीर है। ही इज रिच, यानी वह अमीर है।
शी इज एबसेंट, वह अनुपस्थित है, राहुल निर्दोष है, राहुल इज इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, तो वह राहुल निर्दोष है, राहुल इज इनोसेंट। इस तरह से हम लोग सिचुएशन और कंडीशन यानी किस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेट स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस। अगर आपको किसी भी चीज की प्राइस बतानी हो तो बहुत आसानी से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। जैसे इसकी कीमत 100 रुपया है, इट इज रुपीज 100, ये रुपीज का सिंबल है, इट इज रुपीज 100। या आपको बोल रहा हूं इस लैपटॉप की कीमत 5000 रुपया है, तो दिस लैपटॉप इज रुपीज 5000, 50000, जो भी आप बोलना चाहें। इस शर्ट की कीमत 1000 रुपया है, तो हो जाएगा दिस शर्ट इज रुपीज 1000, इस शर्ट की कीमत 1000 रुपया है। तो इस तरह से हम लोग प्राइस भी बता सकते हैं। अगर पूछना हो तो बोलेंगे What is the price? कीमत क्या है, तो आप बता सकते हैं इट इज रुपीज एक्स वाई जेड, जो भी आपको अमाउंट बोलना हो, जिस भी चीज की कीमत बतानी हो उसका नाम, फिर उस हिसाब से इज और या आर यूज करेंगे और फिर कीमत आपको बतानी हो। तो हम लोग प्राइस भी स्टेट स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। आप मौसम के बारे में भी इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, मौसम के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन मौसम जब भी आप एक्सप्लेन करें तो सब्जेक्ट आप इट यूज करें तो ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि वह निर्जीव है। तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वेदर से, गर्मी है, इट इज हॉट, हॉट मीन्स गर्मी। अगर बोलेंगे ठंडी है तो इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, ठंडी है, धूप ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं इट इज सनी। बारिश का मौसम है, इट इज रेनी। बादल से घिरा हुआ है, इट इज क्लाउडी। कोहरा है, इट इज फॉगी। नेक्स्ट पॉइंट है डे। अगर आपको डे भी बताना हो तो सब्जेक्ट इट रखेंगे, जैसे इट इज संडे, इट इज संडे, यानी संडे है। अगर आपको बोलना हो आज संडे है तो इट इज संडे टुडे, यहां पर आप टुडे लिख सकते हैं, इट इज संडे टुडे। डेट भी बता सकते हैं सब्जेक्ट इट रखकर ही, इट इज 17th जनवरी, या सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज 17th, आज 17 जनवरी है या 17 तारीख है। मंथ भी इट के साथ आप बता सकते हैं, इट इज जनवरी, जनवरी है। साल भी बता सकते हैं, सब्जेक्ट आपको इट ही रखना होगा, इट इज 2022, 2022 है। सीजन भी आप बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके, इसमें भी आपको सब्जेक्ट इट ही रखना होगा और इट के कारण इज ही रहेगा।
तो सेंटेंस होगा इट इज विंटर, यानी जाड़ा का सीजन है, ठंडी का सीजन है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज विंटर। तो अगर हमें वेदर बोलना हो, डे बोलना हो, डेट बोलना हो, मंथ बोलना हो, ईयर बोलना हो या सीजन बोलना हो, तो हमारा सब्जेक्ट इट होगा और इट के कारण इज आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में वाज आ जाएगा। तो इट इज आप यूज करेंगे और फिर इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो वेदर, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन भी हम लोग स्टेट स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा है टाइम, यानी समय भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो तो आप बोलते हैं व्हाट टाइम इज इट, आप बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हो रहा है। जवाब होगा क्योंकि टाइम भी निर्जीव है इसीलिए हमारा इसका भी सब्जेक्ट इट होगा, इट इज, और जो भी टाइम है आप बता सकते हैं। जैसे अगर 7 बजा है तो आप बोलेंगे इट इज 7 o'clock। 7 o'clock का मतलब 7:00 00 को हम लोग ओ क्लॉक बोलेंगे, इट इज 7 o'clock। अगर 7:00 हुआ है, 7 से ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा के लिए हम लोग पास्ट यूज करते हैं। जैसे अगर 7:05 हुआ, आप बोलेंगे इट इज 5 past 7, 7:05। 5 मिनट ज्यादा हुआ है तो आपको 5 past लिखना होगा, आवर उसके बाद 7। 7:10 हो गया तो इट इज तो रहेगा ही, यहां हो जाएगा 10 past 7, 7:10, 10 past 7। 7:15, 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, तो सेंटेंस होगा इट इज 7:15, 7:15 क्वार्टर मतलब 15 मिनट। 7:30, 7:30 आपको बोलना होगा इट इज 7:30, 7:30, 30 मिनट ज्यादा, यानी 7:30, 30 मिनट के लिए हम लोग हाफ वर्ड यूज करेंगे। 7:45, 7:45 को हम लोग बोलते हैं 7:45, यानी 8:15 बाकी, बाकी के लिए हम लोग यूज करेंगे 2, आवर 8 है, 8 में बाकी 15 मिनट, 15 मिनट को क्वार्टर लिखते हैं, तो क्वार्टर, तो सेंटेंस होगा इट इज 7:45, 8:15 बाकी। 7:55, तो इसका मतलब हुआ 8:05 कम, तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज 7:55, 8:05 5 मिनट, इट इज 7:55, यानी 7:55, 8:05 बाकी। तो इस तरह से हम लोग टाइम भी स्टेट स्ट्रक्चर यूज करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने 19 यूजर्स को पढ़ा है, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, प्लेस, नेशनलिटी, रिलेशन, प्रोफेशन, अपीयरेंस, नेचर, फीलिंग्स, सिचुएशन, कंडीशन, प्राइस, वेदर, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन एंड टाइम। तो स्टेट का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। जैसे
अगर हमें प्रेजेंट में करना हो तो हमें यूज करना होगा इज एम आर। और अगर पास्ट में यूज करना हो तो वाज वर्ड यूज करते हैं। इसमें प्रेजेंट में इज, पास्ट में इज के बदले वाज। प्रेजेंट में एम, पास्ट में एम के बदले वाज। प्रेजेंट में आर और पास्ट में आर के बदले वर का यूज होगा। इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एम का आई के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लेट, वह लेट है। अगर पास्ट में इसी सेंटेंस को बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे ही वॉज लेट। आई एम सैड, मैं उदास हूं, पास्ट में आई वॉज सैड, मैं उदास था। They are hungry, वे लोग भूखे हैं, पास्ट में They were hungry, वे लोग भूखे थे। यानी आप प्रेजेंट और पास्ट में जो 19 यूजेस पड़े हैं सेम यूज होगा, सिर्फ टाइम का फर्क है। प्रेजेंट में हम लोग वर्ब के रूप में इज एम आर यूज करते हैं, जबकि पास्ट में वाज और वर यूज करते हैं, बस इतना ही अंतर है। एक और चीज आपको जानना बेहद जरूरी है, अगर आप स्टेट से सेंटेंस बनाते हैं और आपको हाँ में सेंटेंस बनाना है तो हाँ वाले को अफर्मेटिव बोलते हैं, और इसमें आपको यूज करना होगा इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर्ड पास्ट में। अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बनाना है तो आपको इज एम आर वाज वर्ड के बाद नॉट लगाना होगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और इसमें सब्जेक्ट से पहले प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर्ड लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, The train is on time, ट्रेन समय पर है। द ट्रेन यहां सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा, प्रेजेंट में है, ऑन टाइम एंड देन फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होना जरूरी है। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में हमारा सेंटेंस होगा द ट्रेन इज नॉट ऑन टाइम, ट्रेन समय पर नहीं है, और इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप होना जरूरी है। इज के बाद सिर्फ नॉट लगा तो नेगेटिव हमारा सेंटेंस बन गया। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हमें इज एम आर को पहले करना होता है, जैसे क्या ट्रेन टाइम पर है, तो सेंटेंस होगा इज द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना जरूरी है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम सैड, मैं उदास हूं, मैं उदास नहीं हूं। तो सेंटेंस होगा आई एम नॉट सैड, किसी से पूछें क्या आप उदास हैं, तो
तो सेंटेंस होगा आर यू सैड, क्या आप उदास हैं? ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, वह थका हुआ नहीं था। इसका सेंटेंस होगा ही वॉज नॉट टायर्ड। क्वेश्चन पूछेंगे क्या वह थका हुआ था? सेंटेंस होगा वॉज ही टायर्ड, क्या हुआ थका हुआ था। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अंडर स्टेट स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में हमने स्टेट स्ट्रक्चर्स के 19 यूजेस को सीखा, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना और पास्ट में सेंटेंस बनाना डिटेल में इस वीडियो में सीखा। अब आपका काम है इस पे प्रैक्टिस करना। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, उनका एज, क्वालिफिकेशन, नेचर, प्रोफेशन, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।